देखो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो तीन तरह से हमने पढ़ लिया था, एक जनरल इक्वेशन, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बेसिकली जनरल इक्वेशन क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ही शुरू किया था। सेकेंड कि अगर मेरे पास एक पॉइंट और एक स्लोप है तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है। थर्ड, अगर मेरे पास टू पॉइंट फॉर्म है तो भी बेसिकली हम निकाले स्लोप ही रहे होते हैं, फिर किसी भी एक पॉइंट से इक्वेशन लिख देते हैं। यहाँ तक बताया था। द फोर्थ वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, ये देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता है मुझे किसी लाइन का। एक्स इंटरसेप्ट लेट से ए कॉमा जीरो और वाई इंटरसेप्ट लेट से 0, B, तो क्या वापस से मुझे दो पॉइंट पता चल गए जहां से लाइन पास हो रही है। एवरीवन, अगर मुझे एक्स नहीं इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता है तो वापस से मुझे दो पॉइंट्स पता है जहां से लाइन पास हो रही है, राइट? यस तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं बोलता हूँ कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, इसको मैं एक्स इंटरसेप्ट पे बोलता हूँ। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा। तो आई नो एक्स इंटरसेप्ट, आई नो वाई इंटरसेप्ट, तो स्लोप को मैं लिख सकता हूँ क्या, बी माइनस जीरो अपॉन ए माइनस जीरो। बी माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए, सॉरी, लिख सकता हूँ वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। स्लोप तो यही होता है ना, तो यहाँ यस से सर माइनस बी बाई ए आ जाएगा, और फिर किसी भी एक पॉइंट से लाइन की इक्वेशन लिख लो। तो लेट से मैंने यहाँ से लिखी, तो वाई माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करूँ, तो यहाँ से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वाई बाई बी माइनस बी बाई बी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई ए, राइट? बी को इधर ला करके डिवाइड कर दिया, ए को इधर ही रहने दिया। और देखो, अगर इस माइनस एक्स बाई ए को इधर लाऊं और इस माइनस बी बाई बी को उधर ले जाऊं, माइनस बी बाई बी तो कट के वन हो जाएगा, तो क्या फाइनली इक्वेशन ये आ जाएगी, प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू वन। कैन एवरीवन सी दैट आई एम गेटिंग सच टाइप ऑफ इक्वेशन, वाई बाई बी इज प्लस एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू वन। सबको समझ रहे हैं ना क्या किया है? यस सर हाँ सर, टू पॉइंट फॉर्म दिया था, स्लोप निकाला है, फिर कोई भी एक पॉइंट लेकर के इक्वेशन लिख दो। तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, ये किया है, बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया। तो बहुत आराम से देखो, क्या बी मेरे पास वाई इंटरसेप्ट है, इज बी द वाई इंटरसेप्ट, वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, बी पे कट कर रहा है, और इज ए हाँ द एक्स इंटरसेप्ट, राइट? ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या इक्वेशन को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू वन। वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू वन, ये मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, दिस इज माई इंटरसेप्ट फॉर्म, वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू वन। राइट हैंड साइड पे वन आ रहा है और y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस x अपॉन x इंटरसेप्ट आ रहा है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? बहुत बेसिक सी चीज है ना। नो सर तो अब जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, 2x प्लस 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो कोई मुझे बताएगा क्या कि इसमें एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? ये कैसे निकाल सकते हैं? सर, 6 को
LHS में लेके जाएंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, राइट, क्योंकि राइट हैंड साइड मुझे 1 चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए, देखो तो सबसे पहले तो 6 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, तो x by 3 होगा माइनस क्या 3 और 2 होगा y by 2 is equals to 1। अब एक और चीज बेटा यहाँ पे देखा, ध्यान से देखना कि ये जो बीच में है ना ये प्लस साइन आता है, मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यूज होती है, यहाँ पे तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अच्छा। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ x by 3 plus y by minus 2 is equals to 1, सही लिखा है, समझ रहे हो ना सब लोग क्या किया है? हाँ सर। माइनस साइन को ऐसा लिख दिया है, तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या आ रहा है बताओ ध्यान से देख करके। अब ये जो इक्वेशन है ना ये ऊपर वाली इक्वेशन से मैच कर रही है, x अपॉन x इंटरसेप्ट 3 और माइनस x इंटरसेप्ट 3 y इंटरसेप्ट माइनस, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि x इंटरसेप्ट कितना है y इंटरसेप्ट कितना है, किसी भी लाइन के लिए देख करके ही समझ में आ जाएगा। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की फॉर्म में इक्वेशन कैसे होती है, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। सर अगर मैं ऐसे निकालना चाहूँ कि x इंटरसेप्ट यानी कि y उसका 0 होना चाहिए, तो गिवन इक्वेशन में अगर y को 0 पुट कर दिया तो x 3 आ रहा है, और जब y इंटरसेप्ट निकालना होगा तब x को 0 डाल दूंगा तो y भी माइनस 2 आ गया, राइट यही होता ही है बेसिकली। क्या कर रहे हो उसने सही समझा है कि x इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया, जहां पे y 0 हो x एक्सिस को कट कर रहा है तो y 0 होगा, राइट, और y इंटरसेप्ट का मतलब हो गया जहां पे x 0 हो। तो अगर मेरे पास एक लाइन दे दिया और मुझे पूछा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होगा तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या करो कि अगर मैंने मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है तो एक y को 0 सब्सटीट्यूट कर दो, तो y को 0 सब्सटीट्यूट कर दोगे x की वैल्यू 3 आ जाएगी, अगर x इंटरसेप्ट निकालना है सॉरी y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 कर दो तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, मतलब y की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी y इंटरसेप्ट। सर स्ट्रेट लाइन वाले से भी हो जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन वाले से भी हो जाएगा, मतलब सर मतलब y is equal to mx plus c वाले से, उससे तो y इंटरसेप्ट पता चलेगा ना, x इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? सर फिर c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा बेटा, c की वैल्यू y इंटरसेप्ट होती है ना, x इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? हाँ सर वो नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो उस इक्वेशन में भी क्या कहते हैं x को इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रही है, तो x पे इंटरसेप्ट जहाँ पे भी करेगी x एक्सिस को वहां पे y 0 होगा, तो y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आइडिया इज दैट, ठीक है। तो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1 इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ओके नेक्स्ट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन में देखो क्या होता है, मुझे ना दो चीजें चाहिए इसमें, आई नीड टू इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर लेंथ of line from origin, origin से किसी line का मुझे perpendicular length चाहिए कि मतलब distance कितना है। Secondly, angle made by the perpendicular line from origin. Secondly, angle made by perpendicular line from origin. ये दो चीजें मुझे required है, एक तो परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, तो कोई भी लाइन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, और दूसरा कि वो जो परपेंडिकुलर लाइन में बनाऊंगा जो ओरिजिन से पास होगी उसका एंगल कितना है, उसका एंगल कितना है। अगर मेरे पास ये दो इंफॉर्मेशन रहेगी ना तो फिर मैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन लिख सकता हूँ, तो फिर मैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन लिख सकता हूँ। अब देखो इसका क्या मतलब है, कैसे करना है इस क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे मान लो मेरे पास की एक लाइन है, लेट्स से दिस इज लाइन एल, तो मुझे क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है? देखो जो जो चीज मुझे रिक्वायर्ड है उसको मैं यहाँ दूसरे कलर से बना रहा हूँ। तो जो जो चीज मुझे रिक्वायर्ड है, एक तो मुझे ओरिजिन से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, कि ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। दूसरा मुझे एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है ना, इसका एंगल कितना होगा थीटा। तो मैं इस डिस्टेंस को पी बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग दैट दिस डिस्टेंस इज पी। तो इसको ओरिजिन बोल दिया, लेट्स से दिस इज ए। तो यहां से मुझे बताओ कि कॉस इन ट्रायंगल, इस पॉइंट को डी बोल दिया, इन ट्रायंगल ओ ए डी, मुझे बताओ कि कॉस थीटा कितना होगा। एनीवन? कॉस थीटा कितना अपॉन ओए, ओ डी अपॉन ओए, अपॉन ओ ए, ठीक है? तो ओ डी अपॉन ओ ए होगा। एवरीवन, बेस ये रहेगा, हाइपरटेन्यूस ये है, तो इसको मैं P by OA लिख सकता हूँ। Can I write it as P by OA? Yes. अब यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो OA को मैं लिख सकता हूँ P by cos theta, which is also equals to P sec theta, right? One upon cos theta is sec theta. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. अब मुझे बताओ क्या OA इस लाइन का, इस लाइन L का x इंटरसेप्ट है क्या? हाँ, OA is the x intercept of line L. Similarly, ध्यान से देखो तो ट्रायंगल OBD में, ट्रायंगल OBD में इफ दिस एंगल इज थीटा, तो क्या ये वाला एंगल कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा? एवरीवन, इफ दैट एंगल इज थीटा, परपेंडिकुलर था, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो OBD में मुझे बताओ कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होगा, मतलब कॉस ऑफ दिस एंगल कितना आएगा? P upon OB या OD upon OB आएगा? OD upon OB. P upon OB हो जाएगा, right? और cos 90 minus theta को क्या मैं sin theta लिख सकता हूँ? हाँ हाँ। तो OB को क्या मैं P cos sec theta लिख सकता हूँ? हाँ। ठीक है, P, OB को इधर ले जाओगे, P upon sin theta हो जाएगा, P upon sin theta को P cos theta लिख सकते हो। और ये OB क्या है? Y intercept of line L। यहां तक सबको समझा? Yes, sir. ठीक है, अब तो इक्वेशन बहुत इजी लिख लोगे, क्योंकि x इंटरसेप्ट पता है मुझे, y इंटरसेप्ट पता है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी x upon x intercept plus y upon y intercept is equals to 1। यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया। बट एक चीज मुझे यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये जो वर्ड मैंने यहाँ यूज किया है नॉर्मल, इसको आप फिजिक्स में बहुत बार यूज करते हो, कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉर्मल? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि इस लाइन, ये जो लाइन L है ना, इससे बहुत सारे परपेंडिकुलर हम बना सकते हैं, बहुत सारे परपेंडिकुलर लाइन हम बना सकते हैं, बट फॉर आवर कन्वीनियंस, फॉर आवर ईज, हमने कौन सी परपेंडिकुलर लाइन चूज की? जो ओरिजिन से पास कर रही हो। तो ऐसी एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए मुझे जो ओरिजिन से पास कर रही हो, उसका लेंथ ले लिया मैंने, ठीक है, उसका लेंथ ले लिया। उसके बाद फिर वो जो परपेंडिकुलर लाइन थी उसका एंगल ले लिया। तो जो भी मैं नॉर्मल लाइन लिख रहा हूँ, वो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस लाइन के नॉर्मल लाइन के फॉर्म में लिख रहा हूँ?
क्योंकि मैं जो भी चीजें यूज कर रहा हूँ वो मैं इस लाइन की यूज नहीं कर रहा हूँ, वो मैं इससे नॉर्मल वाली लाइन की यूज कर रहा हूँ। तो ये जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन मैं बोल रहा हूँ, इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं कोई भी डेटा इस लाइन का नहीं ले रहा, इंस्टेड आई एम टेकिंग आई एम रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम दिस लाइन, ये जो नॉर्मल वाली लाइन है ना, उससे मैं डेटा को जो भी मिल रहा है मुझे उसका यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे y इंटरसेप्ट पता चल गया, मुझे x इंटरसेप्ट पता चल गया, तो आई नो कि इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x अपॉन p sec थीटा प्लस y अपॉन p cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ ध्यान से देखो तो p तो कॉमन लेकर के उधर भेज सकते हो, पहले इसको ऐसा लिख सकते हो ना, x अपॉन cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p, क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, sec थीटा को cos थीटा कर दो, हाँ सर, cos थीटा को sin थीटा कर दो, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर कॉमन ले सकते हो, दोनों को ऐड कर दो और डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन आ गई, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p। यहाँ पे p क्या है, यहाँ पे p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन विद द एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद एक्स एक्सिस। तो ये दो इंफॉर्मेशन अगर मुझे गिवन होगी ना, तो फिर मैं लाइन की इस फॉर्म में, लाइन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मान लो मुझे दे दिया कि कोई लाइन है जो ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है, एट एन एंड एंड द एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर लाइन इज पाई बाय 4, तो मैं लाइन की इक्वेशन सीधे लिख सकता हूं ना अब, ठीक है, बस इसलिए ये चीज हेल्पफुल है। अच्छा अब देखो, मेरे पास कोई भी अगर मेरे पास गिवन लाइन है ना, तो जैसे मान लो इफ आई हैव एनी लाइन, इस चीज को ध्यान से समझना बेटा, ये थोड़ा सा लेवल हाई है इसका, जैसे लेकिन मान लो मेरे पास कोई भी लाइन है, ax plus by is equals to c, लेट्स से, तो किसी भी गिवन लाइन को आई कैन कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म, मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं, टू कन्वर्ट द गिवन लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो देखो यहाँ पे बस एक ही स्टेप है कि जो गिवन लाइन है ना बेटा, आपको उसको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लो, डिवाइड गिवन लाइन बाय विथ, डिवाइड गिवन लाइन विथ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा लॉजिक लगा करके सोच करके बताओ, अब जो भी लाइन आएगी वो मेरी वही हो जाएगी, जैसे मैं a ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिख दूंगा, तो जो मेरे पास गिवन लाइन आ रही है ना, ये जो भी लाइन बन रही है, मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करने पे, ये इसकी नॉर्मल फॉर्म ही बन रही है। थोड़ा सा लॉजिक लगा करके मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका ही लेंथ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका ही लेंथ है,
ये कैसे कह सकते हो बेटा? सर ए जो होगा वो एक्स इंटरसेप्ट होगा और बी जो होगा वाई इंटरसेप्ट होगा, तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नहीं, इंटरसेप्ट नहीं होगा ना बेटा. इंटरसेप्ट होता तो फिर हम इंटरसेप्ट फॉर्म अलग से क्यों पढ़ते? ये तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई दिख रहा है ना. सर फिर ये ए और बी क्या है? जैसे मान लो एक लाइन दे दी 2x plus 3y is equals to 5, तो यहाँ पे a 2 है b 3, लेकिन x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नहीं बोलोगे ना 2 और 3 को. सोचो कोई. ये जो इक्वेशन आ गई ये नॉर्मल फॉर्म है. दिस इज माय नॉर्मल फॉर्म. बहुत सिंपल सा तरीका है इसको निकालने का. नॉर्मल फॉर्म फॉर गिवन लाइन. बट क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अगर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता तो मैं सी से डिवाइड करता ना, और फिर राइट हैंड साइड तो वन कर देता. अच्छा ऐसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं. जैसे मान लो मेरे पास एक लाइन है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10. 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10. तो देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस लाइन को अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे? रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से डिवाइड करोगे विच इज इक्वल्स टू 5. राइट एवरीवन, ये चीज समझ में आ रही है ना? तो अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3 बाई 5 एक्स माइनस 4 बाई 5 वाई इज इक्वल्स टू 2. नाउ दिस इज माई नॉर्मल फॉर्म. दिस इज माई नॉर्मल फॉर्म. तो क्यों ये नॉर्मल फॉर्म मिल गया? सर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई है उसको हमने कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया. राइट, तो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड होने पे कॉस थीटा में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है? यही तो क्वेश्चन है. सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो सर, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट और उन दोनों का हाइपोटेन्यूस होगा ना, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. मतलब बेटा ये समझो कि अगर मैं कोई लाइन ax plus by plus c is equals to 0 बोल रहा हूं तो ये a नहीं है या ये b नहीं है. x की वैल्यू 0 रखो, क्या मिल रहा है? माइनस सी बाई बी मिल रहा है ना, तो ये माइनस सी बाई बी है. y की वैल्यू 0 रखो तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? माइनस सी बाई ए. तो इसका इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए है, इसका इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी है. क्योंकि सर जो आपने मेन क्वेश्चन लिखा था 3x माइनस 4y, तो उसमें 3 और 4 क्योंकि 1 से बड़े हो गए तो वो cos थीटा और sin थीटा के टर्म्स में हम लिख नहीं सकते उसे, तो जब हमने डिवाइड बाय 5 कर दिया वो लेस देन 1 हो गए जो कि sin थीटा और cos थीटा के रेंज में आ गए, सो उनके टर्म्स में हम लिख सकते हैं. तो डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही क्यों? डिवाइड बाय c भी कर देता तब भी तो 3 से वो उससे छोटे हो जाते हैं. फिर तो इस तरह से किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो बाय स्पेसिफिकली रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वो ट्रिग्नोमेट्री में था ना, जब कोई इक्वेशन होता है a sin x plus, मतलब ऐसे टाइप का कुछ इक्वेशन था a sin x plus b cos x equals to some constant, तो उसे हम साइन की या फिर कॉस की एडिशन सम प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते थे. वो सही था मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, वहां का लॉजिक अपना था.
यहाँ तो लाइंस पढ़ रहा है ना, वहां पे वो लाइन नहीं रिप्रेजेंट करता था ना। चलो अच्छा ठीक है, अभी थोड़ी देर में इस चीज को हम प्रूव करते हैं, हम मतलब हम सब लोग मिलकर के प्रूव करेंगे थोड़ी देर में इस चीज को, ठीक है। और यहां तक जो भी पढ़ाया है नॉर्मल फॉर्म का कन्वर्जन तक, लॉजिक इस चीज का छोड़ दो, अभी मैं भी बताऊंगा, आज ही के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसको। बट यहाँ तक जो भी पढ़ाया है अभी तक सबको क्लियर है कि हमने किया क्या है? हमने एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है, जिसमें मैंने बोला कि x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1, मेरा लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। और एक नॉर्मल फॉर्म पढ़ी है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि x cos theta plus y sin theta is equals to p, जहाँ पे p is the distance from origin और cos theta और sin theta मतलब theta is the angle made by the perpendicular from x axis होता है। तो ये नॉर्मल फॉर्म हो जाता है, किसी भी लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। किसी भी नॉर्मल लाइन को, किसी भी एक जनरल लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रूट ऑफ स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी फॉर्म मिलता है वो नॉर्मल फॉर्म मिलता है। और अभी इस चीज को आगे बताता हूँ, ब्रीफ करता हूँ एक बार, ठीक है। और अगर ये नॉर्मल फॉर्म लिखा है तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा? और साइन थीटा कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ? -4/5। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, पी की वैल्यू ना, हाँ पी की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ से, ओके। तो अब यहाँ से एक और चीज मुझे पता चल रही है क्या, कि किसी भी लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 आ रहा है, मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर मिल जा रहा है। देखो किसी भी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी सी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, हाँ या ना? हाँ सर, समझ सकते हो ना यहाँ से? अभी ये फॉर्मूला बताऊंगा अभी मैं, बट यहाँ से आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, बेसिक आइडिया निकलना चाहिए, ओके। सर साइन थीटा -4/5 होगा ना? हाँ, तो -4/5 भी तो लिखा है, हाँ ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दो टॉपिक्स जो है ना इसी के कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं, जिससे कि ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर कर सकें। तो मुझे बताओ बेटा कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन, इस चीज से क्या समझते हो? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन, यहाँ पे क्या होगा ना, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, तो मैंने कोई भी दो पॉइंट लिया, तो आप दो पॉइंट कहाँ चूज कर सकते हो? ऑन द लाइन नहीं लेना है, ऑन द लाइन नहीं लेना है। जैसे मान लो ax प्लस by प्लस बस एक लाइन थी, तो आप दो पॉइंट कहाँ ले सकते हो? या तो आप दोनों पॉइंट को सेम साइड ऑफ द लाइन ले सकते हो, जैसे आपने दोनों पॉइंट यहाँ ले लिया p1 p2, या तो आप दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन ले सकते हो, p1 ले लिया p2 ले लिया, या तो दोनों पॉइंट एक सेम साइड वापस से ले सकते हो, इधर ले सकते हो। तो बेसिकली या तो सेम साइड ले रहे हो या तो अपोजिट साइड ले रहे हो, यही दो केसेस बन रहे हैं, राइट? राइट ना? यस। अब देखो क्या होगा, अगर आपने
ये जो गिवन लाइन है इसमें पॉइंट P1 पॉइंट का मतलब है कि उसका x और y कोऑर्डिनेट पता है आपको, x1 y1, और P2 पॉइंट का मतलब है कि उसका x2 y2 कोऑर्डिनेट पता है आपको, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने लाइन में, ठीक है, अगर मैंने लाइन में पॉइंट P1 सब्सटीट्यूट किया, AX1 प्लस BY1 प्लस C, ठीक है, तो ये मुझे कोई साइन देगा, क्योंकि पॉइंट P अगर लाइन पे होता तो वो इक्वल टू जीरो हो जाता, बट सिंस पॉइंट P1 इज नॉट ऑन लाइन तो वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, कुछ साइन देगा, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या तो लेस देन जीरो होगा, राइट। पॉइंट P1 इन लाइन है को अगर मैंने सब्सटीट्यूट किया तो या तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा और ये लेस देन जीरो होगा, यही दो केसेस पॉसिबल हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, अब मैंने इसमें लेट्स से 5.5 सब्सटीट्यूट किया, तो अगर x की जगह 5 y की जगह 5 रखोगे और सेटिस्फाई हो जाएगा तब तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, राइट। हाँ. अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ तो मिलेगा ना आपको। हाँ सर समझा। 10 प्लस 15 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा, 15 आ रहा है, तो 15 ग्रेटर देन 0 मिल रहा है ना, तो या तो ग्रेटर देन 0 मिलेगा या तो फिर लेट्स से मैंने माइनस 5 रख दिया यहाँ पे, अगर माइनस 5 रख दोगे तो कितना मिलेगा, माइनस 5 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो या तो लेस देन 0 मिलेगा या तो ग्रेटर देन 0 मिलेगा, नहीं या अगर लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है तो, ठीक है, समझ में आ गया अभी। हाँ सर। सिमिलरली पॉइंट P2 को भी मैंने लाइन L में सब्सटीट्यूट किया, ठीक है, तो AX2 प्लस BY2 प्लस C या तो मुझे ग्रेटर देन 0 देगा और या तो मुझे लेस देन 0 देगा। अब क्या हो रहा है कि इफ लाइन में जो मैंने पॉइंट P1 सब्सटीट्यूट किया था एंड लाइन में जो मैंने पॉइंट P2 सब्सटीट्यूट किया था, ठीक है, आर ऑफ सेम साइन, आर ऑफ सेम साइन, अगर दोनों सेम साइन के हो गए तो क्या P1 P2 एक ही साइड लाई करेंगे? हाँ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कि अगर मान लो दोनों ग्रेटर देन जीरो ही हो गए तो दोनों एक साइड लाई करेंगे, दोनों लेस देन जीरो ही हो गए तो दोनों एक साइड लाई करेंगे, तो दोनों का सेम साइन का होना इंपॉर्टेंट है, और अगर दोनों ऑपोजिट साइन के हो गए, इफ P1 एंड P2 आर ऑफ ऑपोजिट साइन, देन P1 एंड P2 विल लाई ऑन ऑपोजिट साइड। अब ये चीज का जो बेस होता है ना, इस चीज का बेस आपका लीनियर इनइक्वालिटीज में बनता है, लीनियर इनइक्वालिटीज में बनता है। देखो लीनियर इनइक्वालिटीज में अगर सबने वो चैप्टर थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेरे पास मान लो एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू x मान ले लिया, एक बेसिक सी लाइन ले ली मैंने y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x जो लाइन होती है उसका एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव होता है, राइट। आप लोगों ने पढ़ा है ये चीज लीनियर इनइक्वालिटी में, y माइनस NCERT में पढ़ा होगा बेटा, y माइनस x ग्रेटर देन 0 एक रीजन होता है, y माइनस x लेस देन 0 एक रीजन होता है। जैसे मान लो मैंने y इज इक्वल टू x है, जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट सब्सटीट्यूट कर दिया 1.0, तो 1.0 रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, कैसा आएगा, नेगेटिव आ रहा है, राइट। हेलो सर नहीं समझा। अगर मान लो मेरे पास एक लाइन है तो हर लाइन का एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है, तुम लोगों ने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है क्या?
सब स्ट्रेट बोर्ड सही हो? हाँ ओके तो भी लीनियर इनइक्वालिटीज यहाँ यहाँ पे तो पढ़ाई गई है ना डील में, कई सारे स्टूडेंट्स को तो मैंने ही पढ़ाई है. 2x minus 3y is equals to 4 या minus 4 is equals to 0. Let's say ये लाइन है 2x minus 3y minus 4 is equals to 0. 2x minus 3y minus 4 is equals to 0 ये लाइन है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर रीजन लेता हूँ, इफ आई विल बी टेकिंग एनी पर्टिकुलर रीजन, तो वो पर्टिकुलर रीजन या तो लेस दैन जीरो होता है या तो वो ग्रेटर दैन जीरो होता है. ठीक है, इस लाइन के लिए इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो तो इक्वल टू जीरो हो जाएंगे. इस लाइन के एक तरफ ये लाइन आपको ग्रेटर दैन जीरो देगी और लाइन के दूसरी तरफ ये आपको लेस दैन जीरो देगी. अब देखते हैं कौन सा रीजन ग्रेटर दैन जीरो है, कौन सा रीजन लेस दैन जीरो है. नहीं नहीं पता रहता. अब देखो मैंने जैसे मान लो मैंने कोई एक पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लिया, लेट्स से ओरिजिन मुझे दिख रहा है, तो मैंने 0.0 सब्स्टिट्यूट कर लिया. अब अगर मैंने 0.0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये प्लस 4 आ रहा है, तो मुझे ये चीज पता चल गई कि ये जो रीजन रहेगा ना दिस ग्रेटर देन 0. एक भी पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने से पता चल, अगर एक भी पॉइंट के लिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो बाकी सारे पॉइंट्स के लिए भी वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा. ठीक है, क्योंकि वो पूरा रीजन ही वैसा ही रहता है. अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, जैसे मान लो मैंने लिया -4, -4, मुझे पता है कि वो इस रीजन में लाई करेगा ऊपर वाले में, तो -4, -4 रखो, देखो लेस देन 0 आ रहा है, इसकी जगह -4 रखो, वाई की जगह -4, +4 ले लो, सॉरी -4, -4 तो नीचे आ गया, लेस देन 0 आ रहा है. तो ये पूरा रीजन जो है दिस होल रीजन इज लेस देन 0. तो किसी भी लाइन के तरफ दो रीजन्स होते हैं, ऑन द लाइन जीरो, एक लाइन के एक तरफ ग्रेटर देन जीरो होता है, लाइन के एक तरफ लेस देन जीरो होता है. ये चीज समझ में आई अभी? यस सर. अब अगर मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूं, लेट्स से मैंने पॉइंट P1 लिया और P2 लिया और दोनों ग्रेटर देन जीरो आ गए, तो दोनों सेम साइड को हो जाएंगे, राइट? अगर मैंने एक पॉइंट P1 लिया और एक पॉइंट P2 लिया, अगर मैंने दोनों ऑपोजिट साइड को ले लिया, तो एक साइड लेस देन जीरो, एक साइड ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी, राइट ना बेटा? अगर पॉइंट P1 सब्स्टिट्यूट करोगे वाले रीजन में है तो वो ग्रेटर देन जीरो देगा और लाइन P2 विल गिव यू लेस देन जीरो, राइट? तो ऑपोजिट साइन के हो जाएंगे, तो लाइन के ऑपोजिट साइड लाई करेंगे. हाँ. और सिमिलरली मान लो P1 P2 दोनों इधर ही हो गए, तो दोनों लेस देन जीरो दे देंगे, तो दोनों सेम साइन के रहेंगे, तब भी दोनों सेम साइड ऑफ द रीजन लाई करेंगे. तो ये चीज यहाँ से आती है, ये जो चीज मैं बता रहा था ना कि पॉइंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, वो यहाँ से आती है. तो अभी सबको समझ रहा है थोड़ा बहुत कि क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर लाइन में पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे और दोनों ग्रेटर देन जीरो या दोनों लेस देन जीरो आ गए, तो दोनों सेम साइड लाई कर रहे हैं, ये नहीं पता किस साइड लाई कर रहे हैं, सेम साइड लाई कर रहे होंगे. और अगर लाइन अपोजिट साइड आ गया तो दोनों अपोजिट साइड लाई कर रहे होंगे, एक लाइन के एक तरफ होगा तो दूसरा लाइन के दूसरी तरफ. ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन. ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सबको? यस सर. जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन किया, मेरे पास एक लाइन है 2x + 3y - 4 = 0. मैंने एक पॉइंट लिया P2, P1, एक पॉइंट P2 लिया -1, -3. तो बताओ दोनों सेम साइड लाई कर रहे हैं कि ऑपोजिट साइड? ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड लाई कर रहे हैं. 2.1 सब्स्टिट्यूट कर लो, तो 2.1 सब्स्टिट्यूट करने पे वैल्यू कितनी आ रही है? 4 + 3
3 आ गया, लाइन P2 की ये वैल्यू कितनी आ रही है? -21 कैसे? -11 आ रहा है। -11 तो ये greater than 0, ये less than 0, तो opposite side lie कर रहे हैं लाइन के, ठीक है? समझ गया सबको? आगे बढ़े? Is there anyone जिसको ये इसमें problem है? No sir, समझा। No sir. बीच में मेरा voice गायब हो गया था क्या? नहीं सर। सर बराबर। अच्छा, अब जैसे मान लो मेरे पास एक लाइन है x plus y minus 4 is equals to 0, ठीक है, और मैंने एक पॉइंट बोला t, t plus 1, एक पॉइंट है, और एक मैंने पॉइंट q बोला t plus 2, t minus 1, ठीक है, यहाँ छोड़ो, पॉइंट एडिट कर लेते हैं, 2t, t plus 1 कर लो, 2t, t minus 1, और पॉइंट p है t, t plus 1, पॉइंट q है 2t, t minus 1, तो find the value, find the values of t such that t and q lie on the same side of the line. आपको क्या निकालना है? आपको values of t निकालनी है such that t and q will lie on the same side of the line. सर दो वैल्यूज आएंगे क्या? दो वैल्यूज आएंगे, जो जो समझ में आ रहा है बेटा क्वेश्चन करो, भी मैं समझाऊंगा। मेरे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है, फिर मेरे पास दो पॉइंट्स दिए, एक टी कॉमा टी प्लस वन है, एक टू टी कॉमा टी माइनस वन है। टी कैन बी एनी रियल नंबर, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी सच दैट पी और क्यू जो है ना वो दोनों सेम साइड ऑफ द लाइन लाई करे। दो मिनट में करो क्वेश्चन, मैं समझाता हूँ। रेंज मतलब एक इंटरवल टाइप आएगा क्या? हाँ इंटरवल ही आएगा। हाँ सर आ गया। क्या है? सो माइनस इनफिनिटी टू एन बाय थ्री कॉमा यूनियन 3/2 से इनफिनिटी, सॉरी सर 5/3। माइनस इनफिनिटी से कहाँ तक आया था? 5/3। माइनस इनफिनिटी से 5/3 नहीं आया था, माइनस इनफिनिटी से कुछ और बोल रहा था। नहीं नहीं सर 10/3 गलती से बोला, वो 5/3 मतलब मेरा 3/2 होगा, 3/2 होगा माइनस, नहीं नहीं सर
थ्री बाई टू बाद में आएगा ना, अरे फाइव बाई थ्री 1.3 होता है, ठीक से देख 1.6 होता है बेटा, 5/3 1.66 होता है, सही बोल रहे हैं बोलो सर, 1.66 होता है बेटा, माइनस इनफिनिटी से, हाँ बेटा 5/3 1.66 होगा ना, अरे हाँ, अरे श्री भाई तो ये आएगा, सही बोल रहे थे वो लोग। कैसे निकाला तुम लोगों ने ये? सर t के दो वैल्यूज आए, फिर दोनों को नंबर लाइन में प्लॉट किया और बीच वाले मतलब दोनों के बीच का इंटरवल निकाल दिया। t की दो वैल्यूज कैसे आएंगे बेटा, वही तो पूछ रहा हूँ सर। जो दो आपने x और y में डाले वो x और y पे डाल दिए, तो फिर दोनों को एक बार ग्रेटर देन 0 लिया, एक बार लेस देन 0 लिया और सिंपलीफाई किया। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं किया, उसको नंबर लाइन में डाल दिया, नंबर लाइन पे डाल के सीधा, मतलब कॉमन एरिया वो निकलते ना उस टाइप से। हाँ मतलब दोनों को भी सैटिस्फाई करना चाहिए। हाँ ग्रेटर देन और लेस देन जीरो करके वैसे उसी टाइप से वैसा किया। हाँ ठीक है, सही है आंसर, तो सही है एवरीवन। देखो जिसको समझ गया उसके लिए तो ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने नंबर लाइन पे डाल के किया ऐसा नहीं करेंगे, मैं एक और चीज बताता हूँ, मतलब करेंगे वही मेथड सिमिलर है बट उसका सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश करो। क्या दोनों अगर सेम साइन के हैं तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा? यस या नो? यस। अगर दोनों लेस देन जीरो हो जाएंगे तो भी दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आएगा, दोनों ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगे तो भी दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो एल ऑफ पी वन मल्टीप्लाई बाय एल ऑफ पी टू हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा यहाँ के लिए, और यहाँ के लिए हमेशा लेस देन जीरो रहेगा। यस या नो? यस। हाँ सर, बस यही कंडीशन है। तो अगर मुझे क्या करना है कि मुझे निकालना है कि दोनों सेम साइड लाई करें, तो मैं दोनों पॉइंट्स को लाइन में सब्स्टिट्यूट करूंगा और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन जीरो कर दूंगा। तो यहां से क्या करोगे, इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो t plus 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2t प्लस टी माइनस 1 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2t माइनस 3। हाँ सर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 3t माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। हाँ अब यहाँ पे बहुत इजीली हो जाएगा, 3/2 और 5/3, और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव या जैसे भी करते हो, तो यहाँ से डायरेक्ट ओरल आंसर आ जाएगा, माइनस इनफिनिटी से 3/2 यूनियन 5/3 टू इनफिनिटी। समझा सबको क्या करना है? yeah. अगर यही चीज लेस दैन मतलब सेम ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन बोली होती तो मैं लेस दैन जीरो कर देता और आंसर आ जाता 3/2 से 5/3। ठीक है, तो सब निकाल लोगे ना अभी? ओके पर पहला वाला क्यों नहीं यूज कर सकते हम जैसे हमने किया? मैंने कब कहा कि नहीं यूज कर सकते हो? मैंने कहा कि ये बेटर वे होगा, ज्यादा कन्वीनियंट वे होगा, तो वो मत यूज करना। अच्छा। क्योंकि नॉर्मल चीज ज्यादा अच्छी चीज ये है ना, क्योंकि ये थ्योरी कहीं गलत नहीं हो रही, वहां पे मान लो कुछ भी बोल दिया उल्टा सीधा या कुछ भी गलत कर दिए, कहीं फंस ना जाओ। ठीक है, अब जैसे मान लो इसी 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 थ्योरी को मैं अगर आगे बढ़ाते हुए बोलता हूं कि कंडीशन फॉर अ पॉइंट टू लाई इनसाइड अ ट्रायंगल। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस चीज को, कि मान लो आई हैव अ ट्रायंगल
I have a triangle, ठीक है, उसमें मुझे बोला कि A point is 6,1, B point is 2,4 and C point is 3,5. A point 6,1, B point 2,4, C point 3,5. मुझे बोला कि find, हमें पास एक P point है, अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच पी लाइज inside the triangle. Find all the possible values of alpha, जिससे कि p जो है ना मेरा वो हमेशा triangle के अंदर रहे. तो कैसे कर सकते हैं, कोई बताओ. सर तीनों लाइन का इक्वेशन लिखेंगे क्या पहले? तीनों लाइन का इक्वेशन लिखेंगे. चलो ठीक है, तीनों लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं. तीनों लाइन की इक्वेशन लिख लो भाई, सब लोग निकालो. ए बी लाइन की इक्वेशन, बी सी लाइन की इक्वेशन और ए सी लाइन की इक्वेशन, बताओ क्या आ रही है. स्लोप निकालो, कोई भी एक पॉइंट ले लो दोनों में से और इक्वेशन और लाइन बता दो, जल्दी करो. ए बी लाइन की इक्वेशन क्या आई, स्लोप क्या आ गया, -3/4. यस, 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 22 ए बी का क्वेश्चन, राइट. 4y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 22. चलो ये आ गया. बीसी लाइन की इक्वेशन बता जल्दी से. सर ये कैसे आया, ये कैसे आया क्या मतलब है, स्लोप पता है, कोई भी एक पॉइंट चलो इक्वेशन लिख दो. y minus y1 is equals to m times of x minus x1. क्या करते हैं, मतलब BC का निकालना होगा तो स्लोप क्या आएगा, 5 minus 4 upon 3 minus 2, तो स्लोप 1 आ गया, राइट. अब कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो y minus 5 is equals to x minus 3, m x minus 3, equation हो गई. क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2. तुम चाहो तो इस पॉइंट से भी लिख लो, इक्वेशन वही आएगी, y माइनस 4 इज इक्वल टू 1, x माइनस 2, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, इक्वेशन वही आ रही है. किसने पूछा था कैसे आ गया, लास्ट क्लास में ये तो किया है बेटा पूरा. हाँ सर मैंने पूछा था. क्लियर हो गया. हाँ सर. हाँ एसी बताओ सर, मैं वो y is equal to mx plus c से निकल रहा था. अरे पक, दो पॉइंट दिया हुआ है तो एक पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर स्लोप का यूज करो. y is equal to mx plus c से क्यों निकाल रहे हो, पर वो करेंगे तो गलत होगा क्या, कैसे c कैसे पता चलेगा, y इंटरसेप्ट कैसे पता चलेगा, बाइक को ये लाइन कहाँ कट कर रही है कैसे पता चलेगा. सर एसी का 3y plus 4x equals to 27 आया. 3y plus 4x equals to 27. चलो नहीं निकाल पाओगे बेटा उससे, समझा, क्यों नहीं कर पाओगे,
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तब चाहिए जब मुझे स्लोप भी पता हो इंटरसेप्ट भी पता हो. स्लोप तो पता है, इंटरसेप्ट है ही नहीं ना. इंटरसेप्ट को निकालने के लिए लाइन की इक्वेशन चाहिए. तो कैसे निकाल दोगे जब मुझे दो पॉइंट फॉर्म पता है? तो दो पॉइंट पता है तो दो पॉइंट फॉर्म ही निकालोगे ना. दो पॉइंट फॉर्म से ही तो निकालोगे ना. इसीलिए तो डिफरेंट तरह के इक्वेशंस पढ़ रहे हैं. जल्दी बोलो बेटा, क्लियर हुआ या नहीं? हेलो, किसको डाउट है भाई इक्वेशन ऑफ लाइन में? कौन था? चेतन, चैतन्य, आई एम ऑडिबल राइट? यस सर. कौन पूछ रहा था, किसकी आवाज थी? मैं पहचान नहीं रहा हूँ. सर क्या सर? अरे कौन पूछ रहा था किसको इंटरसेप्ट फॉर्म से करना है या नहीं करना है? खैर छोड़ो, क्वेश्चन पे आते हैं. अगर मेरे पास तीनों लाइन की इक्वेशन आ गई, अब कैसे बताएंगे कि पॉइंट पी जो है वो इनसाइड द ट्रायंगल लाई करे? कैसे निकालेंगे अल्फा की वैल्यू? एनीवन? अच्छा अगर मुझे ये चीज बताओ कि अगर मैंने लाइन बीसी देखी तो क्या ये पॉइंट पी और क्या ये पॉइंट ए सेम साइड ऑफ द लाइन लाई करने चाहिए? यस सर. सिमिलरली अगर मैंने ए बी की लाइन देखी तो क्या पॉइंट पी और क्या पॉइंट सी सेम साइड ऑफ द लाइन लाई करने चाहिए? ऑपोजिट साइड लाई करेगा तो पॉइंट पी तो ट्रायंगल के बाहर चला जाएगा ना. सिमिलरली एसी के लिए भी पॉइंट पी और पॉइंट बी सेम साइड ऑफ द लाइन लाई करने चाहिए. तो तीनों कंडीशन लगाओ और सोचो कि क्या करेंगे कि आंसर आ जाए फाइनल. तो सिंपलीफाई, क्योंकि लाइन की इक्वेशन है तो तीनों कंडीशन लगाओ एंड सिंप्लीफाई करो तो फिर फाइनली अल्फा की वैल्यू बताओ. पहले बीसी वाली कंडीशन लगाओ कि पॉइंट पी और पॉइंट ए सेम साइड ऑफ द लाइन लाई करना चाहिए. फिर ए बी की कंडीशन लगाओ, उसमें पॉइंट पी और पॉइंट सी डालो. फिर ए सी की कंडीशन लगाओ, पॉइंट बी और पॉइंट बी, पॉइंट पी और पॉइंट बी डालो. बताओ जल्दी से कंडीशन क्या क्या आ रही है अल्फा की. बीसी में पी सब्स्टिट्यूट करो, मल्टीप्लाई बाय बीसी में. एसी का क्या होगा सर? 3y plus 4x is equal to 22 होगा ना शायद? नहीं, 27 ही आएगा एसी. स्लोप क्या आ रहा है? माइनस 4y3. हाँ स्लोप तो वही आया. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस 1 is equals to minus 4 by 3 x minus 6 minus 24 minus 3 plus 24 minus 3 plus 27 ही तो आ रहा है बेटा. हाँ सर 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 सर, फिर से गलती कर दी. तो लाइन BC में पॉइंट P और पॉइंट A सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा? पॉइंट P सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा 4 times of alpha plus 1 plus 3 times of alpha minus 22 into sir BC का equation y minus x equals to 2 है. BC का equation, अच्छा sorry यार, y minus x is equals to 2 है. तो y minus x is equals to 2 में substitute करोगे तो क्या आ जाएगा? alpha plus 1 minus alpha
माइनस टू, यहाँ तो अल्फा बच ही नहीं रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा, ए सब्सटीट्यूट करोगे तो 6.1, तो 6.1 सब्सटीट्यूट करोगे तो आ जाएगा 4 + 18 + 22 > 0, तो यहाँ से आ रहा है 1, वापस से मैंने गलत सब्सटीट्यूट कर दिया ना, इसी में सब्सटीट्यूट करना है 6.1, तो 1 - 6 - 2, यहाँ से आ जाएगा -7 > 0, तो 7 > 0 हमेशा ही ट्रू है, तो अल्फा की वैल्यू कुछ भी सब्सटीट्यूट कर लो आपको इक्वेशन हमेशा सही मिलेगी, तो अल्फा एलिमेंट ऑफ रियल नंबर आ गया यहाँ से। सिमिलरली बाकी दोनों के रेस्पेक्ट में भी निकालो, ए सी और ए बी के रेस्पेक्ट में, और बताओ अल्फा की क्या कंडीशंस आ रही हैं, जल्दी करो। ये जी सबको समझ में आई कि बी सी के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कि अल्फा क्योंकि ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो रही है, ऑलवेज ट्रू है 7 > 0, तो आप अल्फा की वैल्यू कुछ भी सब्सटीट्यूट कर लो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो अल्फा एलिमेंट ऑफ आर आ गया वहां से। सिमिलरली ए सी की कंडीशन और ए बी की कंडीशन बताओ। सर आप डायग्राम दिखा सकते हो? फिगर बनाया नहीं है क्या कॉपी में? नहीं सर, रफ में लिख रहा था। अच्छा एसी के लिए क्या कंडीशन आई? सर ए बी वाली कंडीशन आई, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 126/49, 126/49। अच्छा अच्छा ओके, वन ट्वेंटी सिक्स बाई फोर्टी नाइन कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सेवन से देखो, सेवन कॉमन लेकर के हटा सकते हो ना, तो यही आ जाएगा 75 ऊपर के। एसी की कंडीशन जल्दी से बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 30-30 seconds का है बस, वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी है, इनइक्वालिटी सिंप्लीफाई नहीं करनी है।
जल्दी एसी की कंडीशन क्या आ रही है, निकालना पड़ेगा क्या मुझे? आप लोगों से नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं? ये इक्वेशन है 3y + 4x = 27, 3y + 4x - 27 = 0, ये कंडीशन है, ये इक्वेशन है। अब एसी लाइन में पॉइंट पी और पॉइंट बी सेम साइड लाई करना चाहिए, तो पॉइंट पी को सब्स्टिट्यूट करो, पॉइंट बी को सब्स्टिट्यूट करो, लाइन में मल्टीप्लाई कर लो। तो सर आया एसी का प्लस वन और 2.4 कर लेंगे बेटा। हाँ बता दो, तो क्या करोगे, एक्स की जगह अल्फा प्लस वन और वाई की जगह अल्फा सब्स्टिट्यूट करो, तो 3α + 4 times of alpha + 4 - 27 मल्टीप्लाई बाय 4 2 3 4 12 4 2 8 - 27, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा कितना आएगा -7 और यहाँ से आ जाएगा 3 7α - 23 should be greater than 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, α - 7 7α - 23 should be less than 0, -7 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी, तो अल्फा शुड बी लेस देन 23/7। यार सर 7α - 24 होना चाहिए ना? हाँ सर, -24 मैंने गलती कर, 4α + 3α + 3, हाँ 7α - 24, ये 24/7 आ जाएगा, बस हो गया। एक इतना करने में तुम लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो देखो यहाँ से क्या आया, एक तो अल्फा आया ग्रेटर एलिमेंट ऑफ आर है कि अल्फा कुछ भी हो जाए, दूसरा आ रहा है कि अल्फा 18/7 से बड़ा हो जाए, और तीसरा आ रहा है कि अल्फा 24/7 से छोटा हो जाए। तो तीनों चीजों का इंटरसेक्शन जब मिलेगा तभी तो बीच में लाई करेगा, ट्राइंगल बनेगा, तो यही हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा कि अल्फा 18/7 और 24/7 के बीच में रहे, अगर ऐसा कुछ वैल्यू ले रहे हो तो हमेशा अल्फा जो है वो ट्रायंगल के बीच में रहेगा। समझ गया सबको क्वेश्चन कैसे कर रहा है और क्वेश्चन का फॉर्म कैसा हो सकता है? मुझसे डायरेक्टली इस चीज का यूज कैसे नहीं पूछेगा कि पॉइंट लाई कर रहा है सेम साइड पे अपोजिट साइड पे, बट कैसे यूज कर सकता है क्वेश्चन बनाने में। Is this clear everyone? Yes sir. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन भी सबको समझ में आ गया ना? Yes. ओके। अब आता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट लिया x1 y1 और मेरे पास एक लाइन थी ax + by + c = 0, तब मुझे इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है जो डिस्टेंस है इसको लेट्स से मैंने पी बोल दिया स्मॉल पी, स्मॉल पी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, इस गिवन लाइन में हम ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे ax1 + by1 + c, x की जगह x1 y की जगह y1 सब्स्टिट्यूट करोगे गिवन लाइन में, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² + b² ये छोटा सा एक फॉर्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होगा अभी आगे चल करके भी। ठीक है, और डिस्टेंस को क्योंकि x1 y1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका नेगेटिव भी हो सकता था, हो सकता है पॉइंट नेगेटिव दिए रहते x1 y1, तो
उसी डिस्टेंस को, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव है, इसके लिए आई हैव यूज्ड मोर। तो क्या कर रहा हूँ मैं, ये एक्स वन कॉमा वाई वन जो है ना, उसको इस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दे रहा हूँ, डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दे रहा हूँ। तो जो डिस्टेंस मिल रही है मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की मिल रही है। और अब मुझे एक चीज बताना कि अगर इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन कर दिया तो डिस्टेंस क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इफ दिस पॉइंट इंस्टेड ऑफ टेकिंग x1 कॉमा y1, इफ आई एम टेकिंग ओरिजिन, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस। एनीवन? सर आपने पॉइंट p को ओरिजिन माना है क्या? हाँ, पॉइंट p को अगर मैंने ओरिजिन कर दिया तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्या चेंज हो जाएगा डिस्टेंस के फॉर्मूले में अगर पॉइंट पी को मैंने ओरिजिन कर दिया? मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, एक्स वन वाई वन जीरो हो जाएंगे, तो दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। तो क्या सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा किसी भी लाइन का? किसी भी लाइन का अगर मुझे सी पता है तो अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मिल जाएगा, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। अब ऊपर वाले क्वेश्चन पे चलें जिसको पेंडिंग छोड़ा था मैंने, तो ध्यान से देखो, तो रूट ऑफ, हाँ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो नॉर्मल वाला फॉर्म था, राइट हैंड साइड पे यही लिखा हुआ है ना, सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करने पे मुझे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रहा है राइट हैंड साइड पे? हाँ सर। हाँ सर ठीक है, तो उसको मैं p बोल सकता हूँ। yes. और इफ दिस इज p, तो एक ट्रायंगल में, अगर किसी ट्रायंगल में, ठीक है, तुम्हें पता है कि दिस डिस्टेंस इज p, ये 90 डिग्री है, दिस डिस्टेंस इज p और दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, तो बाकी सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री से निकाल करके प्रूफ कर सकते हो कि ये कॉस थीटा हो जाएगा या साइन थीटा हो जाएगा, कुछ कुछ इस फॉर्म में कर सकते हो क्या? यस सर। कर लोगे ना, मतलब प्रूफ, तो वहीं से ये डेरिवेशन आता है कि दिस 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 थिंग इज रिलेटेड टू कॉस थीटा, दिस थिंग इज रिलेटेड टू साइन थीटा, और ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाता है, तो वहीं से ये सारी चीजें आ रही हैं। तो उसी, मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, बट इस चीज को एक बार समझने की कोशिश करना, इसी ट्राइंगल, किसी वाले ट्राइंगल से, कि अगर मुझे ये पी पता चल गया है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है सेम चीज है, कि अगर पी पता चल गया है तो कॉस थीटा आप क्या लिखोगे, दिस पी अपॉन दिस ओ ए, राइट, और ओ ए एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, तो वहां से एक्स इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश करना, एक्स इंटरसेप्ट मैंने अभी निकाल करके बताया भी था कि कितना आएगा, माइनस बी बाई समथिंग आएगा, माइनस बी बाई पी आ रहा है या सी आ रहा था, स्टेप से बताया था ना अभी मैंने निकाल के कि वाई को जीरो कर दो, तो वहीं से वो सारा डेरिवेशन होता है, ठीक है, तो वहीं से वो सारा डेरिवेशन होता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर, कि आपको क्या करना है, कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो आपको पॉइंट को उस लाइन में सब्स्टिट्यूट करोगे और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, एंड यू विल बी गेटिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मिल जाएगा। अब इसी का थोड़ा सा और आगे एडवांस वर्जन पढ़ते हैं, कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं, एनीवन? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो ये भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, एनीवन?
क्या अगर मुझे ये पॉइंट पता होगा तो क्या मैं डिस्टेंस को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस डी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस सर, डी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिस्टेंस सी माइनस डी आएगा। तो ध्यान से देखो, ये x1 कॉमा y1 जो है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, पैरेलल लाइन को। तो क्या ए एक्स वन प्लस बी वाई वन को मैं इक्वल टू माइनस सी लिख सकता हूँ? हाँ ठीक है, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी शुड बी इक्वल टू जीरो। तो सी की वैल्यू माइनस ऑफ ए एक्स वन बी वाई वन हो जाएगी, या माइनस ऑफ सी इज इक्वल टू ए एक्स वन बी वाई वन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे इसकी जगह अगर मैं माइनस सी सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, डिस्टेंस मिल गया मुझे। तो d माइनस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और d और c क्या है, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ना दोनों में, इसमें है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, चाहे c माइनस d लिख लो चाहे d माइनस c लिख लो, मॉड इसी ये यूज किया है कि पॉजिटिव है हमेशा डिस्टेंस, अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो a और b सेम रहेंगे ना उनके लिए, फॉर टू पैरेलल लाइंस a एंड b विल बी सेम, ये चीज समझते हो ना? तो बस वहां से आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो क्या करना है मुझे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के लिए, जो दोनों का कांस्टेंट वाला टर्म है विदाउट एक्स और वाई वाला, दोनों का डिफरेंस लेना है, अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आ जाएगा। और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, पॉइंट को लाइन में सब्स्टिट्यूट करना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। समझ गया सबको दोनों फॉर्मूले? हाँ सर। यस सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो, ये मेरे पास एक पॉइंट है 2,3, एक लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, डिस्टेंस बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। ऊपर डिवाइड बाई रूट ऑफ 3² प्लस 4² 1/5। सबका आ रहा है 1/5? यस सर। 3 × 2 माइनस 4 × 3 प्लस 7 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3² प्लस 4² तो आ जाएगा 1/5। एक्स कॉमा वाई सब्सटीट्यूट कर दिया इस लाइन में, डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया। चैतन्य बेटा, अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पता है ना, तो आज जो मैं बता रहा था आपको क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे डाउट सेशन में, चैतन्य यू आर देयर? हाँ सर। तो आज जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, वो अभी थोड़ा बहुत अप्रोच कर सकते हो, इससे हो जाएगा। प्लस थीटा वीटा भी पता रहेगा ना, एंगल भी पता रहेंगे ना, तो अब थीटा वीटा थोड़ा बेटर समझ में आ रहा होगा, तो वहां से भी थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करो कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हूज डिस्टेंस from the line
x प्लस टू वाई प्लस टू इज रूट फाइव. फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन. इस लाइन पे कोई कोऑर्डिनेट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज गिवन एज रूट फाइव. तो इस लाइन पे जो कोऑर्डिनेट है उसके पॉइंट बताने हैं कि क्या होगा, कौन से पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से रूट फाइव होगा. सर -9.6 -9.6 वेरी गुड. कैसे निकाला था ना? पहले तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी किया था ऊपर उसको अप्लाई करके एक इक्वेशन आ गई x1 और y1 के टर्म्स में, राइट? मतलब इस पॉइंट P को x1 और y1 मान लिया और फिर उसका एक इक्वेशन निकाल लिया. और क्योंकि ये पॉइंट लाई करता है वो पहले वाले लाइन x+y+3=0 उसको भी सेटिस्फाई करेगा. हाँ, उसको भी सेटिस्फाई करेगा. तो उधर से और एक इक्वेशन आ गई, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन. देखो उसने क्या किया कि लेट पॉइंट P भी h, k. तो अगर h, k है और उससे डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो h+2k+2 डिवाइड बाय √5 इज इक्वल्स टू √5. ये गिवन है मुझे. तो यहां से आ गया h+2k+2 इज इक्वल्स टू 5, राइट? ऐसा कुछ आया था में? हाँ सर. तो मॉड कैसे हटाए बेटा? उसका पॉजिटिव ही मान लिया मैंने, तो डिस्टेंस को पॉजिटिव ही मान लिया. यहाँ से भी रूट फाइव डिस्टेंस हो और यहाँ से भी रूट फाइव डिस्टेंस हो ना, राइट तन्मय? हाँ सर. तो दो पॉइंट्स आने चाहिए. तुमने पॉजिटिव मान लिया इसकी वजह से तुम्हारा एक पॉइंट का लॉस आया. तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h+2k+2 इज इक्वल टू 5 और h+2k+2 इज इक्वल टू -5. दो तरह से होगा इक्वेशन तो आ जाएगी, मतलब दो सेट ऑफ आंसर्स आएंगे, मतलब राइट. h+2k इज इक्वल टू -7 -4 दूसरा वाला, राइट रितमेश, 1, -4. इसी रीजन की वजह से मैंने मॉड लगाया था ना, कि डिस्टेंस नेगेटिव वाले पॉइंट के साथ भी तो आ सकते हैं ना. अब यहाँ पे दो इक्वेशंस आ गई, इसको ओरिजिनल इक्वेशन में भी h, k सेटिस्फाई करेगा. तो h+k+3 इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू -3 लिख लो. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो h की वैल्यू क्या आ रही है, -9 और y की वैल्यू 6 आ जाएगी, मतलब k की वैल्यू 6 आ जाएगी. और यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे h+k = -3
तो h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू -4 आ जाएगी, दो ऐसे पॉइंट्स आएंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूँ। एक पॉइंट लिया p, उसकी वैल्यू h कॉमा k ले ली, उससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया यहाँ का, तो रूट 5 के इक्वल किया, उससे दो एच और के टर्म्स में दो इक्वेशंस आ गई। फिर ये दोनों इक्वेशंस और ऊपर वाले पॉइंट को भी एच और के सेटिस्फाई कर रहे थे, एच और के टर्म्स में दो दो इक्वेशन आई, दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया, पॉइंट्स मिल गए। तो इज एवरीवन ओके, कैन एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? एनी आंसर वुड बी हाईली अप्रिशिएबल, यस नो, नहीं समझ में आया कुछ भी? समझ में आया सर। समझ में आया, कैसे कर रहे थे आर्या? कैसे कर रहे थे आप आर्या? सर मैंने एक्चुअली मॉड को इग्नोर किया, तो एक पॉइंट तो आया होगा उससे। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, सीख ही तो रहे हो ना, मॉड को इग्नोर नहीं करना, मॉड का एक सिग्निफिकेंस है ना। हाँ हाँ ओके, तो ये चीज हो गई। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं मैं। क्योंकि हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पढ़ रखा है। बोलो कोई कुछ कह रहा है? जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइंस है और ये दो पैरेलल लाइंस है, पैरेललोग्राम बन रहा है एक। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये वाली दोनों लाइंस का डिफरेंस मॉड ऑफ सी माइनस डी, ये वाले दोनों पैरेलल लाइंस का डिफरेंस सी डैश माइनस डी डैश मॉड में, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो c माइनस डी, c डैश माइनस डी डैश अपॉन a b a डैश b डैश। अब मुझे बताओ कि सब लोग डिटरमिनेंट का बेसिक समझते हो या नहीं समझते हो? हाँ सर समझते हैं। हाँ बेसिक डिटरमिनेंट्स निकालना आता है ना, तो बेसिकली ये वही है a b डैश माइनस b a डैश, समझ रहे हो ये सब लोग? यहाँ पे मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मॉड ऑफ सी माइनस डी मॉड ऑफ सी डैश माइनस डी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस बी ए डैश। डिनोमिनेटर में भी मॉड लगा हुआ है बेटा? हाँ क्योंकि मुझे एरिया चाहिए ना, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव आना हाँ। चाहिए। ओके सर ओके आप देखो ये चीज चैतन्य ने शायद ये चीज याद रखना कि अगर पैरेललोग्राम के चारों साइड्स की इक्वेशन गिवन है ना, तो इस तरह से भी कर सकते हो, इजी रहेगा। नहीं तो फिर बाकी सारे टिकड़म तो लगाओगे ही कि ये वाला पॉइंट निकाल लो, ये वाला निकाल लो, ये वाला निकाल लो, ये वाला निकाल लो, फिर स्टेप लैडर पैटर्न या कुछ भी करो, तो ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, बट अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो ज्यादा इजीली हो जाएगा, अगर चारों साइड्स पता है तो। अब एक छोटा सा आता है कि कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस, थ्री लाइंस कॉन्करेंट है, इसका क्या मतलब है?
तीनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. राइट, तीनों एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं. जैसे मान लो ये लाइन L1 हो गई, ये लाइन L2 हो गई, ये लाइन L3 हो गई, तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट है. अगर तीनों लाइन एक लाइन पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, जैसे मान लो ये हो गया, इस टाइप से कुछ हो जाएगा तो ट्राइंगल टाइप का बन जाता है, अगर तीनों एक साथ नहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो ये नॉन कॉन्करेंट हो गया. नॉन कॉन्करेंट हो गया. तो देखो, अगर मैंने बोला कि मेरे पास लाइन वन जो है ना, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, लाइन टू जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, और लाइन थ्री जो है a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू जीरो, तो अगर तीनों कंकरेंट होंगी, अगर तीनों कंकरेंट होंगी तो ये होता है कंडीशन फॉर कंकरेंसी. अब वो कंडीशन क्या है कि इन तीनों का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा. डिटरमिनेंट ओपन करना आता है सबको? यस सर. हाँ सर, आता है ना. तो ये बहुत बहुत सिमिलर टू फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला है कि मैंने क्या किया, हाफ ऑफ x1 y1 1 ले लिया, x2 y2 1 ले लिया, x3 y3 1 ले लिया. और देखो ये जो 1 वाला साइड है ना, इसके अराउंड अगर आप ट्राइंगल ओपन करो तो स्टेप लैडर पैटर्न टाइप का ही फॉर्मूला दिख जाता है आपको. तो स्टेप लैडर पैटर्न जो आता है वो यहीं से आता है. तो दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस फॉर्मूला. तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी क्या है तीनों तीन लाइंस के लिए, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी इज कि तीनों का जो एक्स वाई और सी वाले जो टर्म्स आ रहे हैं ना, मतलब एक्स के कोफिशियंट वाई के कोफिशियंट और जो कांस्टेंट वाले टर्म्स आ रहे हैं, उन तीनों का वैल्यू लिखो, डिटरमिनेंट लिखो और इक्वल टू जीरो कर दो. अगर इक्वल टू जीरो हो रहा है तो कंडीशन लाइंस आर कॉन्करेंट, अगर नहीं हो रहा है तो लाइंस आर नॉन कॉन्करेंट. ठीक है, कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी. एक क्वेश्चन करवाऊं सर, वो x3 और y3 के बाद वापस आएगा ना x1 y1? वो बेटा अगर ये 1 नहीं लिखते तो आता, वो स्टेप लैडर पैटर्न था, ये मैंने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया. ओके सर, वो स्टेप लैडर पैटर्न था, उसमें अगर नहीं लिखोगे तो वापस x1 y1 लिख सकते हो नीचे, चलेगा. लेकिन वो बेसिकली इसी चीज को एक्सपैंड करोगे ना, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है ना, अगर इसी चीज को इस वाले कॉलम के अराउंड एक्सपैंड करोगे तो आप समझ जाओगे कि क्या कह रहा हूँ मैं. ओके, अब देखो मैं निकालना नहीं बता रहा हूँ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, आई होप सबको आता है. हाँ सर. जैसे मान लो मुझे एक क्वेश्चन बोला कि मेरे पास तीन लाइंस हैं, 3x माइनस 4y प्लस 13 इज इक्वल टू जीरो, नहीं प्लस नहीं माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो. दूसरी लाइन है 8x माइनस 11y माइनस 33 इज इक्वल टू जीरो, और 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो. अब मुझे बोल दिया कि दीज थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट, देन फाइंड लैम्डा. तो लैम्डा निकाल के बताओ.
सर माइनस सेवन हाँ सही आ रही है हाँ सर माइनस सेवन आ रहा राइट लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस सेवन आंसर हो जाएगा मेरा चेक कर लो डिटरमिनेंट ही सिंप्लीफाई करना है 382 माइनस फोर माइनस इलेवन माइनस थ्री माइनस थर्टीन माइनस थर्टी थ्री लैम्डा तो थ्री टाइम्स ऑफ माइनस इलेवन इंटू लैम्डा माइनस 99 प्लस सॉरी माइनस ये प्लस फोर कर लो इसको एट लैम्डा प्लस 66 और माइनस 13 इंटू माइनस 24 प्लस 22 इज इक्वल्स टू जीरो ये कितना हो जाएगा माइनस टू प्लस 26 आ गया यहाँ से आ जाएगा 32 लैम्डा प्लस 4 इंटू 66 प्लस माइनस 33 लैम्डा माइनस 297 4 इंटू 66 कितना आ रहा है 264 प्लस 26 ऐड करो कितना आ रहा है 290 यहाँ से आ जाएगा माइनस सेवन और माइनस लैम्डा माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस सेवन ठीक है Yes, sir. तो यहाँ पे ये चीज हो गई अब एक टर्मिनोलॉजी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो कोई मुझे बताएगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है अगर एक लाइन के ऊपर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया उसका तो वो परपेंडिकुलर लाइन उस लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसे बोलेंगे राइट अगर मान लो मैंने एक पॉइंट लिया और एक लाइन ली तो ये जो पॉइंट है ना जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है दिस एम इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इसको निकालने का भी ना मेरे पास एक फॉर्मूला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर को निकालने का और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के मतलब डायरेक्ट कोऑर्डिनेट निकालने का भी एक मेरे पास फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखना दैट इज एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए कोई भी नॉर्मल एक्स लिया है माइनस एक्स वन अपॉन ए यहाँ पे एम के कोऑर्डिनेट्स को एक्स कॉमा वाई बोल रहा हूँ एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो होगा ना ये आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे देगा ये जो होगा ये आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे देगा और इसी फॉर्मूले में मैं इसकी जगह माइनस साइन की जगह माइनस टू रख दूंगा ना तो मुझे इमेज मिल जाएगी इमेज के डायरेक्ट कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे याद है लास्ट क्लास में मैंने इमेज निकालना बनाया था याद है माइनस टू टाइम्स ऑफ
एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लास्ट क्लास में मैंने किसी पॉइंट का इमेज निकालना बताया था ना एक लाइन में? हाँ सर। हाँ सर। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको इमेज के कोऑर्डिनेट्स दे देंगे। लेट्स से अभी इमेज के कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स कॉमा वाई रख दिया, जैसे पी डैश एक्स कॉमा वाई, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन अपॉन, ये बीच में इक्वल टू साइन है ध्यान देना, इन बिटवीन यू हैव इक्वल टू साइन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे पास एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और मेरे पास एक पॉइंट है 3,1, तो जैसे इसका मुझे फोटो परपेंडिकुलर निकालना है, फोटो परपेंडिकुलर निकालना है, ऑल्सो इमेज निकालना है। तो देखो फोटो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या मैं करूंगा, फोटो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट को मैं एक्स कॉमा वाई मान लूंगा, तो एक्स माइनस थ्री अपॉन टू, ए टू है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स वन, तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है, ये एक्स वन है ये वाई वन है ना, तो ए एक्स वन 6, बी वाई वन 3 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 by 4 plus 9 13। तो ये राइट हैंड साइड देखो क्या हो रही है, एक सिंप्लीफाई होकर के एक फिक्स वैल्यू दे रही है क्या, यहाँ से 9 आ रहा है माइनस 4 by 13 आ रहा है, राइट? यस सर, माइनस 4 by 13। अब देखो यहाँ से मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार इसको इक्वेट करो माइनस 4 by 13 से, एक बार इसको इक्वेट करो, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 by 2 इज इक्वल टू माइनस 4 by 13, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 31 by 13 माइनस 8, तो 3 plus 8 3 minus 8 by 13 will be 31 by 30, चेक कर लो। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, वाई माइनस 1 by 3 इज इक्वल टू माइनस 4 by 13, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3 12 minus 12 1 plus 12 13 1 by 13। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के सीधे कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकता हूँ विदाउट डूइंग एनीथिंग इफ आई रिमेंबर दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स वन बाई ए प्लस इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट नहीं रहता यहाँ पे, बस इतना ध्यान रखना। तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन सबको समझ में आया? यस सर। हाँ सर। जल्दी से इमेज निकाल के बताओ, जल्दी से इमेज के कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ। इसमें क्या करना होगा, माइनस 8 by 13 करना होगा ना इमेज में, बस 2 times मल्टीप्लाई कर देंगे इसी वैल्यू को। हाँ सर। तो माइनस 8 by 13 से इक्वेट करो, जल्दी से x और y बताओ। -11/13 सही आ रहा
ठीक है, चेक कर लो सबको, सबको ही चेक कर लो एक बार, मैच कर रहा है या नहीं। अच्छा मैं एक असाइनमेंट शेयर करूंगा उस अभी, तो उसमें क्लास वर्क कोऑर्डिनेट -3/13 नहीं आ रहा बेटा, y -1/3 इज इक्वल्स टू -8/13 करोगे तो कितना हो जाएगा -24/13, y इज इक्वल्स टू 1 -24/13 कितना आ जाएगा, -11/13 ही तो आ रहा है। हो गया निशी, हेलो। हाँ सर आ रहे हैं आपका आवाज, आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, तो क्लास वर्क लेवल 1 सबको ही पूरा सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास है उसके पहले, थर्सडे को है शायद मेरी नेक्स्ट क्लास, ठीक है, तो हो जाएगा। 50-50 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 50 क्वेश्चंस बहुत सिंपल सिंपल से हैं, मतलब एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ओरल क्वेश्चंस हैं। जैसे दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1 होता है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन गिवन है, दूसरी परपेंडिकुलर लाइन निकालो, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। 50+ क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन हो जाएंगे इजीली, मतलब हार्डली 2 घंटे का असाइनमेंट है, पॉइंट इतना है, तो कर लोगे? Yes. Doable है? हाँ सर, yes sir. ठीक है, तो मुझे पर्सनली भेज देना जिसका भी हो जाएगा, नाम के साथ और अपना बैच लिख देना, ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देना, मेरा पर्सनल नंबर जिसके पास नहीं है नोट डाउन कर लो, 5620901505620 इस पे। चलो फिर अभी कोई और सेशन है? नहीं सर ठीक है, फिर मैं एंड कर रहा हूँ ये सेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर।